नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। मैं ले चलता हूं खबर की ओर। खबर मुजफ्फरपुर से है। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है। इस डिजिटल युग में साइबर ठगी का मामला तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अब साइबर सेल और पुलिस भी काफी सक्रिय देखी जा रही है। यही वजह है कि मुजफ्फरपुर में पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह के आधा दर्जन साथियों को धर दबोचा है। इस गिरोह का संबंध न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में अनोखे प्रकार से साइबर ठगी का मामला प्रकाश में आया है, जहां साइबर अपराधी पुलिस के नाम पर लोगों को फोन करके उनके बेटे या परिजन के गिरफ्तार होने की और उन्हें सजा देने की बात कहते हैं और फिर परिजनों को डरा धमका कर पैसे वसूलने लगते हैं। मामला प्रकाश में आने के बाद साइबर पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। मामले में तफ्तीश शुरू हो चुकी है, जिसके बाद अलग अलग जिले से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार साथियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। बताया जा रहा है इस गिरोह का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी है। पुलिस इस मामले को लेकर जांच में जुट गई है। देखिए विशेष रिपोर्ट में। हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और यदि आप एक निश्चित अमाउंट पे कर देंगे तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार के लगभग 4-5 मामले पिछले एक माह में आए थे, जिसके लिए जो साइबर डीएसपी वो पिछले काफ़ी दिनों से प्रयास कर रही थी। आज सुबह हम लोगों को इसमें सफलता मिली है। इसमें कुल 6 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें इनका जो हेड है जिसका नाम अरशद है। इसके अतिरिक्त 5 अन्य अपराधकर्मी हैं जो उनके सहयोगी हैं। एक व्यक्ति का नाम अंकित है, दूसरे का नाम दीपक है, तीसरे का नाम रोशन है, चौथे का नाम जितेंद्र है और पाँचवें का नाम अमजद है। ये 6 अपराधकर्मी जो है 3 विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से कुछ गिरफ्तारी मोतिहारी से है, कुछ दरभंगा से है और एक गिरफ्तारी मुजफ्फरपुर जिले के साहबगंज से है। इन लोगों के पास से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम लोगों ने सामान को जब्त किया है, जिस सामान में 4 लैपटॉप हैं जिसका प्रयोग ये लोग साइबर ठगी के दौरान करते थे। इसके अतिरिक्त 19 पासबुक हैं जो डिफरेंट बैंकों की हैं, 8 चेकबुक हैं, 17 ATM या डेबिट कार्ड हैं। अकाउंट ओपनिंग किट होती है, जो बैंक में नया अकाउंट खोलना होता है, वो लगभग 13 किट हैं इन लोगों के पास से बरामद की गई। 4 सिम कार्ड जो विभिन्न कंपनियों के हैं उनको जब्त किया गया है। 7 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं, जिसका प्रयोग ये लोग कॉल करने के लिए करते थे। इसके अतिरिक्त डिफरेंट कागजात भी हैं जो आधार कार्ड को बनाने में या बैंक अकाउंट को खोलने में काम में आते थे। एक्चुअली इसमें राशि नकद के रूप में नहीं बरामद होती है, साइबर फ्रॉड में हम लोग राशि को फीस कराते हैं और इस पूरी टीम में जो साइबर DSP उनके साथ में जो इस केस के अनुसंधानक बनाए गए थे, हम लोगों ने साइबर थाने में एक केस भी इस मामले में दर्ज किया था जो 29/24 है, जिसके अनुसंधानक इंस्पेक्टर आशुतोष हैं और उनके साथ में हम लोगों के देवेश एक पुलिसकर्मी हैं जो सोशल मीडिया सेल भी देखते हैं और साइबर थाने में पदस्थापित की हैं। इन तीनों ही लोगों के द्वारा एक काफ़ी अच्छी मेहनत की गई है पिछले एक माह के दौरान और हम लोगों ने लगभग 10 से 15 लाख रुपये की राशि को इसमें फीस भी कराया है, जो इनके द्वारा विभिन्न लोगों से ठगी की गई। किस प्रकार से ये लोग टारगेट करते थे सर? सर कितनी राशि इन लोगों ने मतलब ठगी की? अभी तक की पूछताछ के दौरान लगभग 15 लाख की राशि के एविडेंस हम लोगों को मिले हैं और ये लोग काफ़ी दिनों से ये काम कर रहे थे और समय समय पर अपने काम करने के तरीकों को बदलते हैं। साइबर फ्रॉड के बहुत सारे विभिन्न तरीके, जिसमें से पिछले एक माह से जो तरीका इनके द्वारा अपनाया गया था वो यही था कि पुलिस के नाम पर लोगों को कॉल करते थे कि इनके किसी परिजन को पकड़ा गया है और इसमें डिफरेंट कंट्रीज से भी इन लोगों के लिंक मिले, क्योंकि अनुसंधान बाधित नहीं इसलिए कंट्री का नाम अभी लेना उचित नहीं होगा, लेकिन हम लोगों के पास में अभी तक 3 विभिन्न देशों से भी इनके संपर्क स्थापित हुए हैं, जहाँ के माध्यम से लोग इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेशनल कॉलिंग भी करवाते हैं। बैंक के खाते का क्या डिटेल है, ये किन के नाम पे खोले गए थे? उसमें एक व्यक्ति है जिनका साहबगंज से गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम जितेंद्र है, वहाँ पर ये कंप्यूटर क्लासेस भी कराते हैं और उस क्लासेस में जो भी बच्चे या बच्चियाँ जाते थे उनकी भी बहुत सारे फोटोग्राफ्स हम लोगों ने इनके पास से जब्त किए, जिनके नाम से बैंक अकाउंट खोले जाते थे और इन लोगों का टारगेट विशेषकर महिलाएँ होती थी या बच्चियाँ होती थी और ये पैसे का लालच दे के उन लोगों के अकाउंट खुलवाते थे और एक निश्चित अमाउंट उनको उपलब्ध भी कराते थे और बस उनके अकाउंट से फिर पैसा निकाल के ये लोग मनी को ट्रांसफर करते थे। और भी इसमें बैंक के लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? नहीं, बैंक के कर्मियों के अभी तक इसमें भी कोई समस्या नहीं है।
तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमबी न्यूज़ 27। अगर खबरें पसंद आए तो हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।